सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप इस तरीके का ओल्ड एलईडी से आप इस तरीके का कलरफुल एलईडी कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने बनाना सिखाया है इस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है ये वीडियो, काफ़ी यूजफुल है, देखिएगा। तो गाइज, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए ओल्ड ख़राब एलईडी जो कि आपके घर में इजीली मिल जाएगी। और मैं ये डीओवी प्लेट लिया है जो कि कलरफुल है, ये ब्लू कलर की एलईडी है जो कि डीओवी प्लेट इसे बोलते हैं, और एक गोल्डन कलर की एलईडी है। मैं ब्लू कलर की एलईडी यूज करूँगा, आप चाहो तो अलग कलर भी ले सकते हो, बहुत सारी कलर इसमें मिलती है जो कि रेड, ग्रीन और गोल्डन कलर, बहुत सारी कलर इसमें आपको मिल जाएगी। ये 9 वाट की होती है और ये 220 वोल्ट डायरेक्ट जलती है, 220 वोल्ट से। इसमें कोई भी कंपोनेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है गाइस, आप इसे डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चला सकते हो। कुछ इस तरीके से मैंने ओल्ड एलईडी लिया था, उसे अच्छे तरीके से खोल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से, और ये जो हीट सिंक होती है उसे भी अच्छे तरीके से निकाल लेनी है क्योंकि गाइस इसे हमें फिर से यूज करनी है, इसलिए इसे अच्छे से निकालनी है, टूटे उटे ना, इसलिए इसे अच्छे से आपको निकाल लेनी है। गाइस देख सकते हो गाइस, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी हीट सिंक को भी निकाल ली है, और इसमें जो ख़राब हो गई है जो ये मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड को भी निकाल लेंगे, अच्छे तरीके से आपको निकाल लेनी है। सोल्डिंग आयरन से इसे हीट करने पे इजीली ये निकल जाती है गाइस, तो कुछ इस प्रकार से आपको भी निकाल लेनी है। एलईडी का जो बोर्ड लगी रहती है इसमें, उस बोर्ड को इजीली आपको निकाल लेनी है क्योंकि गाइस इसका कोई काम नहीं होती है, और आप इसे निकाल लेना बोर्ड को अच्छे तरीके से। कुछ इस तरीके से मैंने इसमें से बोर्ड निकाल लिया है, और ये जो होल होती है, दो होल है, उस होल को अच्छे से आपको किसी नोकीले चीज़ से होल कर लेनी है। कुछ इस तरीके से मैंने होल कर लिया है गाइस, आपको भी इस प्रकार से होल कर लेनी है। और ये जो हीटसिंग है, हीटसिंग में जो एलईडी लगी रहती है, उस एलईडी को निकाल करके हम वो डीओवी प्लेट वाली 9 वाट की जो एलईडी है उसे लगाएंगे जो कि कलरफुल एलईडी है। ये ख़राब एलईडी है, मैं इसे निकाल लूँगा, अच्छे तरीके से आपको निकाल लेनी है गाइस। तो मैं कुछ इस प्रकार से इस कटर की मदद से अच्छे तरीके से निकाल लिया है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से निकाल लेनी है, बहुत ही ईजिली ये रिमूव हो जाती है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने इसे रिमूव कर लिया है, और ये जो डीओवी प्लेट है जो कि ये ब्लू कलर की डीओवी प्लेट है, आप चाहो तो अलग अलग कलर की भी यूज कर सकते हो, मार्केट में इजीली आपको ये मिल जाएगी 10 से 15 रुपए में। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से इस पे स्क्रू से कस देंगे, अच्छे तरीके से आपको स्क्रू ड्राइवर से अच्छे तरीके से देख सकते हो गाइस, मैंने कुछ इस तरीके से स्क्रू से कस दिया है, आपको भी इस तरीके से कस देनी है। इसमें दो फेज होती है, एक न्यूट्रल और एक लाइन, जो कि यहाँ पे सिंबल बना हुआ है आप देख सकते हो, एल और एन। तो मैंने दो वायर लिया है कुछ इस तरीके से, और इस कैप में कुछ इस तरीके से आपको इस वायर को डाल देनी है और सोल्डरिंग कर देनी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने दोनों वायर को इसमें लगा दूंगा और सोल्डरिंग कर दूंगा, कुछ इस तरीके से आपको भी लगा देनी है गाइस, बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। वीडियो को एंड तक देखो, अगर वीडियो पे नए हो, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज, क्योंकि गाइज मैंने इसी तरीके का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से मैंने इस पे सोल्डरिंग कर दिया है, अच्छे तरीके से आपको सोल्डरिंग कर देनी है गाइज, क्योंकि तार छूट ना जाए इसलिए आपको अच्छे से सोल्डरिंग करनी है इस पे। मैंने कुछ इस तरीके से अच्छे प्रकार से सोल्डरिंग कर दिया है, जो दो वायर लगाया था कुछ इस तरीके से, और ये जो हीट सिंक पे मैं एलईडी कसा था उसको भी अच्छे तरीके से आपको फिक्स कर देनी है इसके अंदर। तो इस होल के अंदर जो आपको ये रेड वाली वायर है उसे घुसा करके और अच्छे तरीके से प्रेस कर देनी है, प्रेस करने पर इजीली ये अंदर चल जाती है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे प्रेस कर दिया है, और ये जो दो वायर है उसे एल और एन पे कनेक्ट कर दिया है, जो कि इस पे 220 वोल्ट एसी इनपुट के लिए, 220 वोल्ट आउटपुट के लिए मैंने इस पे वायर पे कनेक्शन कर दिया है। देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो आप इजीली 2 मिनटों में इसे बना सकते हो अपने घर पे, जो कि ओल्ड एलईडी को फिर से यूज कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना भी मत